ये है स्पीडोमीटर टेस्ट बेंच। इसका यूज है कि हम गुड आरसीआई, गुड पीजी को यहीं पे चेक करके और लाइन में दे सकते हैं फिट करने के लिए। पहले हम लोग का टाइम बहुत लॉस होता था, हमें जाके लाइन में चेक करना पड़ता था, लेकिन अब हम इसी टेस्ट बेंच पे चेक करके आरसीआई और पीजी को काम में ले सकते हैं। इससे हमारा टाइम बहुत सेफ हुआ। आइए देखते हैं इसको ऑपरेट कैसे करते हैं। मेन ऑन किया सप्लाई। अब स्पीडोमीटर टेस्ट बेंच का मेन सप्लाई है, इसको ऑन करेंगे, फिर इसकी कंट्रोल सप्लाई को ऑन करेंगे। अब आप देखेंगे हमारा स्पीडोमीटर टेस्ट बेंच ऑन हो गया। इसको चेक करने के लिए दो चीज़ बहुत ज़रूरी है, एक गुड आरसीआई और एक गुड पीजी जो कि हमारा नीचे में लगा हुआ है। अब आइए देखते हैं इसको ऑपरेट कैसे करते हैं। इसका एक खुद का पासवर्ड है, पहले हम उसको अनलॉक करेंगे तो ही जाके ये स्पीडोमीटर टेस्ट बेंच वर्किंग होगा। प्रोग्राम में जाते हैं, इसका खुद का पासवर्ड है 66, पहले हम उसको डालेंगे बाय प्रेसिंग बटन। देखिए हम 66 हाँ एंटर कर दिए, ये टेस्ट बेंच खुल गया है। अब इसमें हम उसी आरसीआई का व्हील डायमीटर डालेंगे जिसको हमको चेक करना है, तभी इसकी और इसका स्पीड मैच करेगा। यहाँ पे इसका स्पीड शो करेगा, यहाँ पे तभी हम इसका दोनों का मैच करेंगे। आइए कैसे देखते हैं। डिस्प्ले बटन दबाएंगे आरसीआई का, नौ सौ पंद्रह है 915, इसको कैंसिल करके फिर से सेम पोजीशन में लाएंगे और हम यहाँ पे 915 डालेंगे। एंटर कर दिए। अब देख रहे हैं कि हमारा ये टेस्ट बेंच रेडी हो चुका है। आइए इसको अब चेक करते हैं। अब देखेंगे कि यहाँ पे एक फॉरवर्ड और रिवर्स करने का नॉब है, हम इसको फॉरवर्ड में करेंगे ताकि हमारा जो पीजी जो नीचे में रोटेट होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और यहाँ से ये स्पीड कंट्रोल का है, इसको हम अब ऑपरेट करते हैं। ये देखिए हमारा, ये हमारा मॉनिटर मूव होने लगा। यहां से हम नॉब को घुमा रहे हैं, स्पीड को कंट्रोल कर रहे हैं। मान लीजिए हमने स्पीडोमीटर को 20 तक रखा, ये देखिए हमारा 19 पॉइंट, ये देखिए 20.5, बिल्कुल हमारा मैच कर रहा है। ये देखिए मॉनिटर 20, यहाँ हमारा इस पर 20.3 बता रहा है, सेम है। ये सेम स्पीड बताएगा, ये देखिए हमारा मॉनिटर में भी सेम सेम बताएगा। इसी तरह अगर हमारे पास गुड आरसीआई है, अगर पीजी डिफेक्टिव है तो इसमें हम यहाँ पे नीचे सेट करके देख लेंगे, अगर ये रोटेट हुआ इसका मतलब ये पीजी सही है, रोटेट नहीं होता इसका मतलब पीजी डिफेक्टिव, हम यही फाइंड आउट कर लेते हैं, हम दूसरा पीजी लगा के चेक कर लेते हैं। इसी तरह हम आरसीआई को भी अगर डिफेक्टिव है गुड है, अगर हमारे पास पीजी अच्छा है तो इसमें डाल के चेक कर लेते हैं इसके थ्रू कौन सा गुड है कौन सा सही है, और इसको हम ले जाके
मॉनिटर गाड़ी में सेट कर सकते हैं। तो ये हमारा स्पीडोमीटर का टेस्ट बेंच चेकिंग कंप्लीट हो गया।